दुनिया का उतरना भी जरूरी था। लाजवाल गीतों के हालिक उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। मौसीकी के बेताज बादशाह और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री हासिल करने वाले उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आज अपनी सालगिरह ज़ौक़ो शौक़ और अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। उस्ताद राहत फ़तेह अली खां ने अपनी सालगिरह के मौके पर फतूहात जारी रखते के अज़्म का इजहार किया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आईफा अवार्ड, नोबल पीस अवार्ड में परफॉर्मेंस और अनगिनत सुपरहिट गीत गाने के साथ साथ इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके मुल्क कौम का नाम रोशन किया। राहत फतेह अली खां 1974 में फैसलाबाद में पैदा हुए। वो एक बेहतरीन मौसीकार और गुलकार है। इनकी गायकी के मदाह पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर में मौजूद हैं। राहत फतेह अली खां फरख फतेह अली खां के साहबजादे और उस्ताद नुसरत फतेह अली खां के भतीजे हैं। कव्वाली के अलावा भी वो गजल और हल्की फुल्की मौसीकी गाते हैं। वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, भारत के साथ साथ दुनिया भर का दौरा करके अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार उस्ताद राहत फतेह अली खां ने मौसीकी की दुनिया में यूं तो मुतअद्दिद एजाज और अवार्ड अपने नाम कर रखे हैं, ताहम अब इन्होंने एक मुनफरद एजाज भी हासिल कर लिया है। राहत फतेह अली खां के स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वो इतने सब्सक्राइबर वाले पहले पाकिस्तानी मौसीकार बन गए हैं। 50 लाख सब्सक्राइबर के साथ वाहद पाकिस्तानी गुलकार का एजाज हासिल करने वाले राहत फतेह अली खां के मुतअद्दिद गानों को यूट्यूब पर 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। राहत फतेह अली खां के कुछ गानों को 1 करोड़ से ज्यादा बार भी देखा जा चुका है, जबकि इनके एक गाने जरूरी था को अब तक 1 अरब से ज्यादा बार भी देखा जा चुका है। राहत फतेह अली खां ने गिरजा एक दुहाई कबल यूट्यूब पर अपना चैनल मुतारफ करवाया था, ताहम इन्होंने इंतहाई कम उम्र से ही गुलकारी की शुरुआत की थी। महज 7 साल की उम्र में गुलकारी का आगाज करने वाले उस्ताद राहत फतेह अली खां को उनके उस्ताद नुसरत फतेह अली खां की वफात के बाद सबसे ज्यादा शोहरत मिली और इन्हें उनकी आवाज करार दिया गया। राहत फतेह अली खां ने अपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खां के दर्जनों मकबूल गीतों को दोबारा गाकर न सिर्फ मौसीकी के शायकीन को महफूज किया बल्कि इन्होंने उन्हीं गीतों की बदौलत एक नया मुकाम भी हासिल किया। आंसुओं की माला पे सिमरूं राहत फतेह अली खां अब तक 50 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम रिलीज कर चुके हैं, जबकि वो भारतीय फिल्मों में भी 100 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। राहत फतेह अली खां ने म्यूजिक एल्बम के अलावा भी दर्जनों सिंगल गाने रिलीज किए, जबकि इन्होंने कोल समेत नातिया और हमदिया कलाम भी रिलीज किए। यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर होने के मौका पर इन्होंने मुख्तसर वीडियो में मदाहों का शुक्रिया भी अदा किया था और उनका कहना था कि उन्हें ये एजाज मदाहों की बदौलत ही मिला है। उतरना भी जरूरी था।